तो फाइनली दोस्तों, जितने भी हमने क्वेश्चन आपको कक्षा 9वीं हिंदी विषय में आपको बताए थे, लगभग वही के वही पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहें तो वीडियोस को जाकर देख भी सकते हैं। इसी तरह गणित विषय के आपको 100% पूछे जाने वाले प्रश्न बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, कि कितने आपने सही किए हैं। इसी तरह आपको गणित विषय के भी बताए जाएंगे और सॉल्यूशन सहित आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे गए थे। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सधुकड़ी भाषा है तो यह एक कबीरदास जी की भाषा है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा है मेघ आय रचना है तो यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कामायनी है तो एक महाकाव्य है। इसके बाद झूरे के साले का नाम क्या था तो गया था, यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन होगा। 5वें का आंसर होगा दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं तो संधि कहते हैं। इस जल प्रलय पाठ की विधा है तो कहानी विधा है। इस प्रकार से विकल्पों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद खालिस्तान यहाँ पर इस प्रकार से पूछे गए थे। यहाँ पर पहला खालिस्तान है, खालिस्तान को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को। दूसरा है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है तो क्या है, अलंकार है। रस के काव्य की बताया गया है तो आत्मा बताया गया। महादेव वर्मा के बाबा उन्हें जो है विदुषु बनाना चाहते तो विदुषु इसका राइट आंसर होगा। उपहास शब्द में उप उपसर्ग होगा, क्या होगा, उप होगा। इसके बाद रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र होते हैं तो 4 पात्र थे। इसके बाद सत्तसत्त कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्तसत्त लिखे। कबीर एक समाज सुधारक थे तो यह कथन सत्य होगा। दूसरा है अलंकारों का अनावश्यक प्रेम प्रयोग जो है कविता के सौंदर्य को कम कर देता है तो यह कथन भी आपका सत्य होगा। डांडे तिब्बत की सबसे जो है खतरे की जगह तो यह कथन सत्य होगा। श्याम चरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था तो यह कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद 5वां आपका सत्य होगा और 6वां आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सही जोड़ियाँ देख लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे, आप मिला भी सकते हैं। यहाँ पर नंबर डले हैं कि पहले का आंसर इस प्रकार से कश्मीरी कवित्री होगा, दूसरे का वर्णिक चंद्र होगा, तीसरे का प्रेमचंद के फटे जूते, और चौथे का यहाँ पर होगा कानम्बर को ऑप्शन, और यहाँ पर 5वें का सुरपति और 6वें का भयंकरता होगा। इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर इतने ही आंसर हैं। पहले का आंसर श्री कृष्ण होगा, दूसरे का आंसर उनका, बाकी ये आपको टेलीग्राम चैनल पर इनके आंसर बताए जाएंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जितने भी हमने 2-2 अंक, 3-3 और 4-4 अंक के क्वेश्चन बताए थे, लगभग वही क्वेश्चन पूछे गए। इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था कि भक्ति काल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है या नई कविता की विशेषताएं। माखनलाल चतुर्वेदी भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं, यह क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था कि माखनलाल चतुर्वेदी की 2 विशेषताएं आपको तैयार करना है। इसके बाद मानसरोवर से कवि का आशा, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। लगभग महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, रस की परिभाषा हमने आपको बताया था, गद्य की विधाएं, लगभग वही के वही क्वेश्चन। सालम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए, लगभग वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लास्ट तक देख सकते हैं, शुल्क मुक्ति के लिए यहाँ पर जो है फीस माफ हेतु आवेदन पत्र पूछा गया है। निबंध में जो है हमने आपको बताया था कि जीवन में खेलों का महत्व, यह भी पूछा गया है। तो लगभग सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह आपको विषय में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न अच्छे से समझाए जाएंगे। तो चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।